है लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। इटावा भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में आए फिल्म जगत के कलाकार आसरानी ने लोगों को जमकर हंसाया। आपको बता दें कि आसरानी भाजपा प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया के समर्थन में नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं और वहीं अपनी हास्य के जरिए रामशंकर को जिताने की कर रहे हैं अपील। इटावा में फिल्म कलाकार आसरानी ने अपने फिल्मी अंदाज में लोगों को हंसाने का काम कर रहे हैं। इटावा में आसरानी भाजपा प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया के समर्थन में नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। वहीं उदी मोड़ से पहली नुक्कड़ सभा शुरुआत करते हुए आसरानी अपने फिल्मी हिट डायलॉग हमारी जेल में सुरंग से शुरुआत की। आसरानी ने कहा कि मोदी की तारीफ करते हुए कि महिलाएं धुएं से परेशान हो चुकी थी, उनको गैस चूल्हा दिया, शौचालय दिए, इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। इटावा के लोगों ने मेरा सम्मान नहीं बल्कि पूरे फिल्म इंडस्ट्रीज का सम्मान किया। वहीं उन्होंने फिल्मी अंदाज फिर से करते हुए कहा कि आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी रामशंकर कठेरिया के पीछे जाओ, वो भी नहीं जाओ तो पूरे कठेरिया की तरफ जाओ। उसमें इटावा राजनीति के लिए नहीं आया बल्कि इनके प्रेम के लिए आया हूँ। इंतजार अहमद खान की रिपोर्ट। और सलाम दो तीन सलाम भी कर दो। मैं आप सब की तरफ से अपना स्वागत करता हूँ। थैंक यू उदी की तरफ से, क्योंकि आपने मेरा सब भैया थोड़ा हट जाना, आपने सिर्फ मेरा सम्मान नहीं किया बल्कि हिंदुस्तान की पूरी फिल्म इंडस्ट्री का सम्मान किया। भारत माता की चंबल, चंबल की नदी और यमुना, मगर आप लोगों ने डाकुओं के लिए ताली बजाई, वो गलत। डाकुओं के लिए ताली बजाया रुको वगैरह भाई ना, वो फिल्में डाकू छोड़ उधर जाओ, बाकी सब रामशंकर कठेरिया के पीछे जाओ। बल्कि मैं तो कहता हूँ इधर उधर कहीं मत जाओ, सब राम रामचंद्र कठेरिया और सही का भगी रह के पीछे जाओ। इसका कारण है, कारण ये कि मैं इनके गांव में गया था, रामचंद्र जी गांव में गया था, मैंने देखा उन्होंने पहली बार अपने गांव में शांति गर्ल्स पब्लिक स्कूल स्थापित किया, ये बहुत बड़ा योगदान। बच्चे लड़कियां लड़कियों को शिक्षा लेने के लिए माँ बाप मना करते थे तो तुमको बाहर जाना पड़ेगा गांव से, इन्होंने गांव में स्कूल बनाया क्या तो तुमको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, इन्हें पर शिक्षा पड़ेगी। आपको शायद याद नहीं है, मैं बताता हूँ आपको, ऐसा स्कूल भारत में लड़कियों के लिए पहली बार स्वामी विवेकानंद ने बनाया था कलकत्ते में 1898 में।